क्लेरियंट इंडिया देखिए सर, इसमें क्या जानना सर इनको? एंट्री फ्रेश कर सकते हैं नीचे इस गिरावट में, और प्लस डिविडेंड कह रहे हैं कि अच्छा होता है, या पूछ रहे हैं या बता रहे हैं ये भी नहीं पता मुझे, लेकिन अवॉइड कर दे सर, स्टॉक वेट अवॉइड कर दीजिए, स्टॉक हो सकता है आपको 300 के नीचे दिखा दे तो जीत के बाद। ठीक है। तो ये गिरावट हमेशा, हर गिरावट जो है वो अच्छी नहीं होती है, तो जरूरी नहीं है कि गिरावट कहाँ सर तक यहाँ पर जाएगी जो वो नहीं पूछ। उन्होंने गुड डिविडेंड लिखा है, मैं हमेशा बोलता हूँ डिविडेंड के लिए स्टॉक मत खरीदिए। डिविडेंड मिलता है वो बोनस है, पर स्टॉक हमेशा कभी भी डिविडेंड के लिए मत खरीदिए। डिविडेंड चाहिए तो एफडी कर लीजिए, खाली आपको 5-6% ही चाहिए, अच्छा डिविडेंड है इससे अच्छा एफडी कर लीजिए। तो केवल नाम बदलने से फर्क नहीं है, फायदा क्या है क्या? हाई रिस्क में आपके कोई फायदा नहीं है, हाई रिस्क में आप डिविडेंड के लिए क्यों आ रहे हो? तो रिस्क आप पूरा ले रहे हैं और प्रॉफिट आप उतना ही ले रहे हैं, तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो इसीलिए इक्विटी जब कहा जाता है कि हायर रिस्क है तो साथ ही साथ हायर रिवॉर्ड्स भी होता है, तो अगर हायर रिवॉर्ड्स के लिए नहीं आ रहे हैं तो फिर तो शायद एफडी में रहें तो बेहतर रहेगा, या और भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे।